मेरे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ये पिंक लुक क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा वार्म लुक क्रिएट करती हूँ। और कुछ ही दिन पहले मैंने मेरी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज किया है क्योंकि जो पहले थे बहुत पुरानी थी, जो पहली पिक्चर थी बहुत पुरानी थी और जो लेटेस्ट है वो नहीं है। उस पर मैंने पिंक मेकअप पहना है। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि मैं उसे रिक्रिएट करूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने उसकी वीडियो शूट की थी पर वो बेचारी वीडियो YouTube तक आ नहीं पाई, या आई है, आई एम नॉट श्योर। पर मैंने इसको रिक्रिएट कर लिया है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल पिंक ग्लिटरी किस्म की आई है, जो कि पार्टीज़ के लिए, वेडिंग फंक्शंस के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए परफेक्ट है। अगर आपको सिंपल बनाना है तो आप ग्लिटर को स्किप कर दें। जो भी इस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी ताकि आप आसानी से वो सेम प्रोडक्ट्स खरीद पाएँ या उससे मिलते जुलते। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लिए इतनी प्यारी वीडियोस मैं इतने दिल से बनाती हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो किधर चलेगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें और वीडियो को देखते रहें। तरा सबसे पहले हम करेंगे हमारे आईब्रोज को शेप, क्योंकि जब आपके आईब्रोज शेप होते हैं तो आपको पता चल जाता है आपको जिंदगी में करना क्या है। आपकी जिंदगी का जो व्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। आप जिंदगी को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। देखो ब्रश करने से कितना फर्क पड़ गया। ब्रश मैंने कौन सा यूज़ किया है? मैंने ब्रश यूज़ किया है एज परफेक्ट का ब्राउन मैग्नीफाइंग पेंसिल, जिसके शेड का नाम है डीप ब्राउन, और इसी से मैंने ब्रश कर लिया है। अब इसी से हम थोड़ा सा फिल करते हैं हमारे आईब्रोज को। अब देख सकते हैं कि मेरे आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा थिक है, उनको बहुत ही कम ज़रूरत है चीज़ें करने की, पर हम थोड़ा सा करते हैं। मैंने इनको थोड़ा सा फिल तो किया है, पर जो बिल्कुल बिगनिंग है उसे मैं थोड़ा सा पाउडर के साथ करती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं पेंसिल के साथ करती हूँ तो मुझे बहुत फेक सा लगता है। एंगल ब्रश यूज़ करूँगी। दिस इज़ काइंड ऑफ ओके। अब बारी आती है आई मेकअप करने की। आई मेकअप के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा प्राइमर काइंड ऑफ चीज़ लगाते हैं, जिसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्राइमर वैसे यूजली करती नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल शेड्स के साथ प्ले करती हूँ, पर बिकॉज आज हम पिंक के साथ प्ले कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा प्राइमर काइंड की चीज़ चाहिए, क्योंकि उससे पिगमेंटेशन अच्छी हो जाएगी हमारी आई लुक की। इस कंसीलर को मैं ब्रश के साथ मेरी आई पे स्प्रेड कर लूँगी। ये ब्रश मैं नन्ना सा यूज़ कर रही हूँ। आप बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपने फाउंडेशन लगाया वो यूज़ कर सकते हैं, एंड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी दोस्तों अगर आपको लाइट चेंज वेंज होती लगेगी, क्योंकि मैं नेचुरल लाइट्स यूज़ करती हूँ। विंडोज़ है मेरे सामने 10 बड़ी बड़ी, यार सूरज अपना कलम अलग करता रहता। ओके, ये ब्लेंड हो चुका है। अब अभी केस हम पिंक आई शेडो यूज़ कर रहे हैं। यूजली आजकल की दुनिया में हमारे पास पिंक ज़्यादा होता नहीं है, स्पेशली क्योंकि सभी को वार्म आई शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप भी समर हैं जिसके पास पिंक आई शेडो नहीं है तो आप ब्लश यूज़ कर सकते हैं। जो मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फैन हूँ पिंक की, मैं ब्लश यूज़ कर लेती हूँ समटाइम, बिकॉज मेरे दोस्तों ने कहा है कि तुम पिंक लुक क्रिएट करो। मैं आ चुकी हूँ पिंक के लिए, पर आज मैं जेम्स की पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें पिंक बहुत अच्छा है। ये पैलेट को मैंने रेयरली यूज़ किया है। पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जिसके साथ आप प्ले करना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्राउनिश शेड है इसे मैं मेरी क्रीज में लगाऊंगी, देन हम पिंक के साथ प्ले करेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरा शेड है वो पैची लगे। इसके लिए हम ये करेंगे, इसको एक अच्छे फ्लफी ब्रश पे लें, डैब कर दें एक्सिस को और क्रीज में लगा लें ये कलर। ये कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा शो हो रहा है। अगर आपकी स्किन लाइट है तो आप पे ज़्यादा दिखेगा, पर ये मेरे लिए परफेक्ट ट्रांजिशन शेड है। हम इस लुक को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे, पर बिलीव मी ये बहुत प्रिटी लगेगी लेटर। अब मुझे याद है एक बात कि हमारे घर में शादी थी इंडिया, एंड मैं यूजली किसी का मेकअप कर नहीं पाती हूँ शादियों में, क्योंकि अपने मेकअप में हम इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि किसी दूसरे का क्या करेंगे। और मैं मेकअप कर रही थी, पर मैं मेरी सिस्टर इन लॉ का मेकअप कर देती हूँ। कोई आया मुझसे आई शेडो लगाने के लिए, मैंने उसे कहा कि नेचुरल आई शेडो लगाती थी तुम्हारे, क्योंकि अदरवान अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुम ज़्यादा मेकअप नहीं करते। तो मैंने बहुत ही नेचुरल सा आई शेडो लगाना शुरू कर दिया। उसने शीशे में देखा, उसने कि और ये तो दिख ही नहीं रहा, वार्म आई शेडो था वो। एंड मैं क्या कि नहीं यार यही बढ़िया लगता है, ज़्यादा वाइब्रेंट गुड नहीं लगेगा क्योंकि तुम यूजली पहन देने तो बहुत ही एक्स्ट्रा लगेगा। बट शी सेड प्लीज़ पुट, और उसने जो कपड़े पहने थे उसके साथ वार्म आई शेडो ही ज़्यादा था क्योंकि उसके कपड़े वार्म थे, और उसने कहा कि यार प्लीज़ पुट पिंक। और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ एक दूसरे का मुँह देख रहे कि रियली पिंक कैसे तुम्हारे कपड़ों के साथ जाएगा। कहने का मेरा पर्पज़ ये है कि जो पिंक
आई शेडो है हमारे इंडियंस का बहुत पॉपुलर है, स्पेशली मम्मी के टाइम का या जो हम बच्चे थे उस समय में, लाइक 80s में हर एक दुल्हन पिंक पहनती थी, जो भी या कपड़े ज़्यादा भी या पिंक अपनी आईज़ पे लगा लेती थी या रेड लगा लेती थी, और समझ में नहीं आता वो ऐसे क्यों करती थी। सो ये देखिए, ये पिंक मैं लूँगी, उसी सेम ब्रश पे डैब कर देंगे एक्सेस को और इस जगह पे हम इसे लगा देंगे। तो ये बड़ा ही प्यारा पिंक है, डोंट वरी, इतना ही वाइब्रेंट हमेशा नहीं रहेगा। सो इस एरिया में हमने कर दिया है इसे डिपॉजिट, लाइक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना कैश, सो उसी तरह हमने इसे कर दिया है। अगर इस पे कोई भी पाउडर है उसको डैप कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो पाउडर है हमारे चेहरे पे गिरे। अब इसी ब्रश को लेके हम इसे ड्रैग करेंगे हमारी क्रीज में और बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ ब्लेंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पैची सा आई शेडो लगे, और इसे ब्लेंड करेंगे बहुत प्यार के साथ। इतना प्यार जितना आप अपने पति से भी नहीं करते उतना इस ब्लेंडिंग से करें। इसको ब्लेंड करें, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, अंदर की तरफ ले आए यहाँ एंड देन फिर बाहर की तरफ लेके जाए और इसे आउटसाइड की तरफ ड्रैग कर दें, ताकि थोड़ी सी काइट कैट आई काइंड की बन जाए। अब आपको लगता है कि पाउडर हो गया ख़त्म, और पाउडर लें, सो फिर वहीं पर डिपॉजिट करें दोनों तरफ। इससे क्या होगा, पिगमेंटेशन और बढ़ेगी। इस पॉइंट पे फिर हम वही स्टेप दोहराएंगे जो है, बहुत ही हल्के हाथ से प्यार से इसे अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे लाइक दिस। एंड जब आपको लगता है कि आपके ब्रश में से पाउडर जो है वो कम हो चुका है, तो उसे क्रीज एरिया में घुमा दे, क्योंकि हमें वहाँ पे ऐसे चाहिए कि शेड कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जैसे यू नो फूल की पत्तियाँ में रंग होते हैं ना, वैसे होना चाहिए, यानी कि जैसा यहाँ पे वैसे वहाँ। आई होप आई मेकिंग सेंस। तो इसी तरह हम ब्लेंड करेंगे चंगे प्यार से, और प्यार प्यार में ये पिंक नीचे गिर गया है जो मुझे नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगी, लूज़ पाउडर लगा रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। सो इसी ब्रश को मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे भी घुमा दूँगी, ताकि यहाँ पे भी कलर हो जाए। पर ये पिंक लगाने के बाद जो आपकी आँखें बहुत दुखी लगनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि आप बहुत रोए हैं, सो उसके लिए हम एक और ब्रश लेंगे, जिस पे हम लेंगे थोड़ा डार्क शेड, लाइक ब्राउन शेड। सो उस ब्राउन को भी इसके नीचे घुमा लेंगे, ताकि ये थोड़ी स्मोक आउट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और डार्क करना, तो आप थोड़ा सा ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं ब्लैक नहीं करूँगी, मैं करूँगी डार्क ब्राउन, स्पेशली आउटर साइड में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें और स्मोकी लगें, सो छोटे ब्रश पे वो ब्राउन लें और यहाँ पे उसे प्लेस करें जहाँ पे अर्लियर हमने पिंक कलर किया था, और जिस ब्रश से आपने पिंक आई शेडो लगाया था उसी से ब्लेंड कर देंगे उस डार्क शेड को। ऐसे अगर आप ज़्यादा स्मोक आउट करना चाहते हैं तो ज़्यादा डार्क ऐड करें, पर मुझे लगता है कि ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा स्मोकी चाहिए, फिर हमारी जो हाइप है ना पिंक की वो ख़त्म हो जाएगी। अब बारी आती है पिंक शाइनी लगाने के लिए, अब देखते हैं इसमें पिंक शाइनी है। सो इसी जेम्स की पैलेट में ये जो शेड है पीची काइंड का, मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा। सो इसे मैं फिंगर पे लेके जो एरिया खाली है वहाँ पे लगाऊंगी। सो या इट्स गोइंग गुड, इसे ज़्यादा ऊपर तक ड्रैग नहीं करेंगे, बस हम इसी एरिया में रहने देंगे जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया है। वंस आपको लगता है कि ये एरिया कोट हो चुका है, काइंड क्लीन ब्रश लेंगे और इन दोनों शेड्स को ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे कि ये एक दूसरे के साथ हो जाए ब्लेंड। ऑलराइट, सो अब बारी आती है थोड़ा सा शाइन लगाने की। मेरे पास ये लाइनर्स हैं जो हैं ग्लिटरी, जिनको मैंने लिया था अमेज़ॉन से। सो इससे हम थोड़ा सा हमारी आई को ग्लिटरी करेंगे। सो जहाँ पे हमने लाइट शेड लगाया है उसी जगह पे हम इसे बहुत हल्के हाथ से ग्लिटर्स लगा देंगे। ज़्यादा का लम्बा लम्बा मत करें, क्योंकि फिर पैची हो जाएगा काम। वैसे ये बहुत अच्छे ग्लिटर है इस काम के लिए। ओके, सो आफ्टर 100 ईयर्स मुझे लगता है कि ये ड्राई हो चुका है। अब हम लगाएंगे नन्ना सा मस्कारा। नन्ना सा क्यों? क्योंकि हम लगाएंगे लैशेस। यू गाइस कैन टोटली स्किप ऑन दैट, बट अगर आपको स्मॉल लैशेस दिखती हैं तो कैसे स्किप कर सकते हैं मैन। सो येस, सो इफ यू हैव नो आइडिया, आई हैव माई ओन लैश लाइन विच इज स्मॉल लैशेज। इफ यू वॉन्ट टू बाई योर हेयर, यू कैन विजिट एनी टाइम smalllashes.com। वी गाइज शिप वर्ल्ड वाइड एंड आई हैव 9 डिफरेंट स्टाइल। अपने लोअर लैशेज को बिल्कुल मत भूलें, उन पर मस्कारा जरूर लगाएं, क्योंकि उनसे आपकी आंखें काफ़ी ओपन लगती हैं, अदरवाइज आपकी आंखें चुन्नियाँ लगेंगी। आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टिपिकल पंजाबी वर्ड। ओके, सो दिस इज डन, अब मैं लैशेज लगाऊंगी। लैशेज के लिए जो मैं पेयर यूज़ करने वाली हूँ वो है स्मॉल लैशेज का ब्यूटिफुल दुबई पेयर, जो कि किस तरह का दिखता है मैं आपको दिखा देती हूँ।
जो कि इस तरह का दिखता है। ये बहुत 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 ब्यूटीफुल है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ड्रामेटिक है, बट ये आपकी आंखें पे बहुत अच्छी लगेगी। सो मैं लगाऊंगी ग्लू। ग्लू के लिए मैं यूज़ करती हूँ ड्यू का ग्लू, क्योंकि बहुत अच्छा है वो, और लैशेस को रिमूव करना और लगाना उससे काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ग्लू ऐसे भी हैं बाजार में जिनको लगा के आप लैशेस लगाते हैं और तो बाद जब आप रिमूव करते हैं आपकी जान निकल जाती है। सो ऐसे मत करें, सो यूज़ दिस ग्लू। इफ़ यू आर वंडरिंग दैट आई हैवन पुट एनी आईलाइनर और एनीथिंग, so usually I no put it, but today on my waterline I'm gonna put something. And where is those colors? Okay, so जब तक मेरी lashes होती हैं dry, हम लोग लगाएंगे lipstick. Lipstick के लिए मैं Catrice का ultimate matte shade use कर रही हूँ, number है 90. So once I'm done with this lipstick, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लगाने वाली हूँ Rimmel London की Stay Matte, जिसका shade है Pink Bliss. ये बहुत अच्छा shade नहीं है, पर मुझे इसको थोड़ा सा light करना है इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। अगर आप ये अलग से लगाते हैं तो ये बहुत ही patchy सा shade है। सो आई थिंक मेरी लैशेस का ग्लू हो चुका होगा ड्राई, नॉट ड्राई बट थोड़ा सा टैकी हो चुका होगा, जिसकी वजह से मैं आराम से लगा सकती हूँ। सो हम लगाएंगे लैशेस, और मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया कि आप मेरी लैशेस को 25 प्लस टाइम पहन सकते हैं, और मुझे लगता है मैं तो 25 से कहीं ज़्यादा बार पहनती हूँ। और लैशेस को आसानी से कैसे लगाते हैं इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वो वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाई है मैं। अगर आप लैशेस के लिए नया बंदा है जिसने अभी लैशेस की दुनिया में कदम रखा है, वो वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। आपने देखा कि पैक में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, पर काफ़ी अच्छी ड्रामेटिक बट नेचुरल दिखने वाली है ये। सो अब बारी आती है बहुत थोड़ा सा आईलाइनर लगाने के लिए, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का कार्बन ब्लैक लाइनर इंटेंस। ये बहुत आसान है लगाना, सो इसे हम इस एरिया में लगाएंगे ताकि ये आईलैशेस का बैंड थोड़ा सा छुप जाए, समथिंग लाइक दिस, इसी तरह इस तरह। सो थोड़ा सा मैं विंग भी बनाऊंगी। तो जो अर्लियर हमने पाउडर लगाया था उसे रिमूव कर देते हैं। एक्चुअली अच्छा हुआ वो उस पर कुछ भी नहीं गिरा है, और यह इससे आपका मेकअप बच जाता है। सो मैं लिपस्टिक को चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड कैटसूट, जिस शेड का नाम है रेबल रोज। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हाइलाइटर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन का विविड शिमर ब्रिक ब्राउन्स केस में, क्योंकि हाइलाइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हाइलाइट नहीं करेंगे तो फिर बेचारे से लगेंगे। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके चेहरे पे पोर्स हैं तो उसको कवर करने के लिए फाउंडेशन कैसे लगाते हैं, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कंसर्न है मेरी तरह। मेरा भी कंसर्न है कि मेरे इस एरिया में पोर्स बहुत दिखते हैं। सो उसको हाइड करने के लिए और फ्लॉलेस दिखाने के लिए अपनी स्किन को मैं कौन सा रूटीन अपनाती हूँ, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ। उससे आपका चेहरा फ्लॉलेस लगेगा। लाइक हम फेक कर सकते हैं, हमारा चेहरा परफेक्ट तो होता नहीं, किसी का होता भी है पर हम इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हमारा है। सो उसको बना लेंगे, या वो कैसे बनाएंगे वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मेरे आईब्रोज को मैं सेट करना भूल गई थी ग्रेट लैश मस्कारा मेबलिन से, क्योंकि मेरे बाल आजकल थोड़े ब्लैक हैं तो फिर आईब्रोज का उनके साथ मैच करना काफ़ी ज़रूरी होता है, अदरवाइज वियर्ड लगता है। सो यस वी आर डन, डन टू रॉक दिस पिंक लुक। ता-दा! सो येस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ये मेकअप लुक को रिक्रिएट करते हैं, मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे सारे सोशल मीडियाज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाएं, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें और मुझे टैग करें अपनी रिक्रिएशन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में कुछ भी बताएं, जो भी आप बताना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज़ कैन डू एनी freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Bye, Lalu.